हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एस एस डी एजुकेशनल क्लासेस एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर कशिश मेहरा टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कंपनी कभी भी शेयर्स इशू करती है लोगों को बाहर से पैसे मंगवाती है तो कई बार वो प्राइवेट प्लेसमेंट भी यूज़ करती है प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है वैन अ कंपनी ऑफर इज शेयर्स टू द दिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल उनको पता है उनके फ्रेंड्स हैं उनके फैमिली मेम्बर्स हैं या उनके डायरेक्टर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सेलेक्टेड ग्रुप में आते हैं लेकिन वो सेलेक्टेड ग्रुप 200 लोगों से ऊपर नहीं जाने चाहिए तो इसको हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है हम शेयर्स बेच तो रहे हैं लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को जिनको हम जानते हैं जनरल पब्लिक के लिए नहीं रहता है तो अगर ये ऑप्शन जनरल पब्लिक के लिए नहीं जाता है तो उसके अलावा कुछ रूल्स रेगुलेशन ले चलता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट और आइडेंटिफाई द पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन द सेलेक्टेड ग्रुप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पहले सेलेक्टेड ग्रुप चूज करना होता है कि वो किसको ये शेयर्स बेचना चाहते हैं अभी सेलेक्टेड ग्रुप हो सकते हैं कोई म्यूचुअल फंड वाले कोई इंस्टीट्यूशनल के इन्वेस्टर्स या कोई भी पर्सन कंपनी हैज़ टू इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन कंपनी को ये प्राइवेट प्लेसमेंट का जो है लेटर पहले ही लिखना पड़ता है एप्लीकेशन के साथ इट मीन्स कंपनी को पहले प्राइवेट प्लेसमेंट के इशू करने के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती द शेयर्स ऑफर्ड बाय फुली और पार्टली पेड अप एंड द कंसिडेशन शुड बी पेड बाय चेक डिमांड ड्राफ्ट और बाय एनी बट नॉट बाय कैश जब प्राइवेट प्लेसमेंट होता है तो वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट कर सकता है कैश के थ्रू पेमेंट कर सकता है पार्टली पेमेंट मतलब आधी पेमेंट कर सकता है या वो चाहे तो फुली पेडअप भी कर सकता है शेयर्स को लेकिन वो कैश में पेमेंट नहीं कर सकता राइट टू रिनाउंस इज नॉट गिवन टू एप्लीकेंट अंडर द प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी हैज़ टू गेट अप्रूवल ऑफ़ शेयर होल्डर थ्रू द स्पेशल रिजोल्यूशन अब यह रिनाउंसेशन क्या होता है राइट टू रिनाउंसेशन का मतलब होता है कि अगर एप्लीकेंट चाहता है पहले पेमेंट करना मीन्स एप्लीकेंट अगर वो शेयर्स परचेस करता है तो बाद में वो मना नहीं कर सकता अगर वो पहले बोलता है कि मुझे ये शेयर्स परचेस करने हैं लेकिन फिर वो बाद में बैकअप नहीं ले सकता तो कंपनी को उसके लिए भी अगर वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अपने शेयर्स बेचना चाहती है तो उसके लिए भी शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लगेगा और वो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू पास होकर बोर्ड मीटिंग में आएगा तभी वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते प्राइवेट प्लेसमेंट भी दो प्रकार के टाइप होते हैं एक होता है राइट इशू और एक होता है प्रिफ्रेंशियल अलॉटमेंट राइट इशू क्या होता है ये ऑलरेडी आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में जाके चेक कर सकते हैं जहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ कि राइट इशू का मतलब होता है जो हमारे ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको हम राइट देते हैं कि हम पब्लिक में शेयर्स बेचें या किसी और को शेयर्स बेचें उससे पहले हम अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर वालों को ऑफर देते हैं कि अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हम आपको पहले बेच देंगे अगर वो मना कर देते हैं तो हम पब्लिक में या किसी और पर्सन को बेच सकते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है वेन अ कंपनी इशू स्पेसिफाइड शेयर्स जैसे कि इक्विटी शेयर्स अगर वो बेचना चाहती हैं इक्विटी शेयर्स और सिक्योरिटी दैट कैन भी कन्वर्टेड इन टू इक्विटी शेयर्स इन फ्यूचर टू सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ परसन्स ऑन द प्रेफरेंशियल बेसिस इज नॉन एजरेंशियल अलॉटमेंट तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है ऐसे इक्विटी शेयर्स जो फ्यूचर में जाके किसी सेलेक्टेड ग्रुप के लिए वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में चेंज हो सके उसे हम कहते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अब ये जानते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हुए अंडर द कंपनी ऑफर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इस प्रमोट इस अलॉटेड टू प्रमोटर अधिकतर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में कौन कौन आता है एक प्रमोटर या एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर वाले या फिर एम्प्लॉयज या वेंचर कैपिटलिस्ट ये लोग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में आते हैं द शेयर ऑफर्ड आर फुली पेडअप एंड द एप्लीकेट हैव टू पे द कंसिडरेशन इन कैश अब ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है जो पर्सन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए जा रहा है उसको फुली पेडअप लेना पड़ेगा मतलब पूरे पैसे वन टाइम में पेमेंट करनी पड़ेगी और वो लोग कैश में पेमेंट कर सकते हैं शेयर्स अंडर द प्रिफ्रेंशल अलॉटमेंट को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इज नीडेड टू मेक प्रफ्रेंशल अलॉटमेंट अगेन प्रेफरेंशल अलॉटमेंट के लिए भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा कंपनीज यूजअली गो फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एज इट इज नॉट ओनली लेस टाइम कंज्यूमिंग बट ऑल्सो इन्वॉल्व लेस पेपर वर्क मोस्टली कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए हाँ बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग कम रहता है पेपर वर्क कम रहता है फॉर्मेलिटीज़ कम रहती है और वो अलॉटमेंट फटाफट कर पाते हैं तो ये था हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है और राइट इशू क्या होता है होपे स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको वाकई हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू